चलो दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सर्विस का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्विस की थ्योरी को कवर किया था। सर्विस को कुबरनेटिस में कहां पर यूज़ करते हैं, सर्विस को यूज़ करने का क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में कवर कर ली थी। सिनेरियोस को भी रखकर हमने देखा था, इंडस्ट्री के सिनेरियो को भी हमने रखकर थ्योरी कवर किया है। और ये भी हमने बात किया कि सर्विस के तीन टाइप होते हैं, एक क्लस्टर आईपी, एक नोड पोर्ट और एक लोड बैलेंसर। ये भी हमने थ्योरी में कवर किया था कि क्लस्टर आईपी की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ती है, नोड पोर्ट की आईपी को आपको जरूरत नोड पोर्ट की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी और लोड बैलेंसर की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी, ये चीज़ भी हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी को कवर किया था, इस वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे वो क्लस्टर आईपी का करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो नोड पोर्ट का करेंगे, उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे लोड बैलेंसर का। ठीक है, तो क्लस्टर आईपी के प्रैक्टिकल को करने के लिए यहां पर मेरे पास जो क्लस्टर है वो ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड है। ठीक है, और जिस तरीके से हमने डायग्राम में देखा था, दो नोड हमारे पास थे, एक मास्टर और एक वर्कर। तो ऐसे अभी भी मेरे पास वही है, देखिए एक मास्टर है और एक वर्कर है। तो क्यूब सी टी एल गेट नोड्स अगर मैं करता हूँ तो देख सकते हैं आप, मेरे पास एक मास्टर नोड है और एक वर्कर। और अगर आप मास्टर नोड और वर्कर नोड की आईपी देखना चाहते हैं तो आप हाईफोन वाइड कर लें, तो देखो आपको पता लग जाएगा ये मास्टर नोड की आईपी है, ये मास्टर नोड की आईपी है और ये वर्कर नोड की आईपी है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लस्टर आईपी का जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल को करने के लिए यहाँ पर जो हम लोग सेटअप बनाएंगे वो सेटअप वही होगा जो हमने थ्योरी में कवर किया था। क्या कवर किया था हमने थ्योरी में? हमने थ्योरी में देखा था कि दो डिप्लॉयमेंट हम बनाएंगे, एक डिप्लॉयमेंट हमारा ये है, ये वेब डिप्लॉयमेंट, और एक हमारा ये डेटाबेस डिप्लॉयमेंट। तो दो डिप्लॉयमेंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं वेब डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा और फिर मैं डेटाबेस डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा। और जब मैं वेब डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा तो मैं वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड की नंबर ऑफ कॉपी नहीं मांगूंगा, मैं अभी एक ही कॉपी लेके चलूंगा पॉड की। बोले तो वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर एक सिंगल पॉड ही अभी लेकर चलूंगा। ऐसे ही मैं डेटाबेस जब डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा तो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के अंदर भी मैं अभी एक सिंगल पॉड ही लेकर चलूंगा, बाद में हम उसे स्केल करके देख लेंगे। लेकिन अभी शुरू में हम लोग एक वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर भी एक ही पॉड रखेंगे, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के अंदर भी एक ही पॉड रखेंगे। ठीक है, तो जब हमारा वेब डिप्लॉयमेंट बन जाएगा और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट बन जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है वो बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेब डिप्लॉयमेंट के पॉड के अंदर जाएंगे और वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर बैठ के हम लोग डेटाबेस डिप्लॉयमेंट पॉड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। आप या तो वेब डेवलपमेंट पॉड के अंदर जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर जाइए और डेटाबेस पॉड की आईपी को हार्ड कोड कर दीजिए, तो हो गया कनेक्ट। एक तो ये तरीका है आपको चेक करने का, कनेक्ट हो गया। फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट के पॉड को हिट मारिए और आपको दिखना चाहिए कि अच्छा डेटाबेस पॉड पे हो जा रहा है, क्योंकि हार्ड कोड है तो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इतना अंदर जाके चेक नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग चेक करेंगे, वेब डिप्लॉयमेंट के पॉड के अंदर जाएंगे और यहां से जाके ना हम इसे पिंग करके देख लेंगे, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट पॉड की आईपी को पिंग करके देख लेंगे, या फिर हम लोग डेटाबेस पॉड के अंदर एक एंजिनिक्स वगैरह चला देंगे और उस एंजिनिक्स को हम लोग कर्न करके देख लेंगे। तो वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर से बैठकर हम लोग डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के पॉड की आईपी को कर्न करके देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वेब डिप्लॉयमेंट डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के पॉड की आईपी को कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, ये है एक तरीका चेक करने का। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के इस पॉड को मैन्युअली जाके हम लोग डिलीट करेंगे। तो जब हम लोग इस पॉड को मैन्युअली डिलीट करेंगे तो ये पॉड डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर रेप्लिका सेट को एक पॉड चाहिए, तो ये क्या करेगा, रेप्लिका सेट सेम डेटाबेस पॉड की एक नई कॉपी बना देगा और नई कॉपी बना के इस पॉड की आईपी नई दे देगा, नया आईपी मिल जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, चलो तो उसके बाद हम लोग वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर हम जाएंगे तो वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर जाकर अगर हम लोग पुराने वाले पॉड की आईपी को हिट मारेंगे तो
हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि पुराना वाला पॉड तो जा चुका है, तो हमें क्या करना होगा, नए वाले पॉड की आईपी को हिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम तो अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद करिए, अगर हमने वेब डेवलपमेंट पॉड के अंदर डेटाबेस पॉड, पुराने वाले डेटाबेस पॉड की आईपी को हार्ड कोड के करके छोड़ दिया था और ये हमारा एक चल रहा था पूरा का पूरा लाइव, अब कस्टमर आता है वेब डेवलपमेंट पॉड के पास, ठीक है, कस्टमर वेब डेवलपमेंट पॉड के पास आता है और उसके बाद वेब डेवलपमेंट इस पॉड की आईपी के साथ हार्ड कोड है तो कनेक्शन चलता रहेगा, लेकिन ये पॉड अगर डिलीट हो गया तो उसकी जगह अगर नया पॉड रिक्रिएट हुआ है तो दोबारा हार्ड कोड करना पड़ेगा, एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम और ये कि हम लोग कस्टमर को भी ये वेब डिप्लॉयमेंट पॉड की आईपी नहीं देंगे क्योंकि कल को वेब डिप्लॉयमेंट पॉड ही मान लीजिए उड़ गया तो क्या कस्टमर को बार बार आईपी देना पड़ेगा? नहीं, तो हम लोग वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी सर्विस बना देंगे, हम लोग वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी सर्विस बना देंगे, कस्टमर, हम कस्टमर को बोलेंगे तू इस सर्विस को हट मार भाई, ये सर्विस क्या करेगा, इस वेब डिप्लॉयमेंट पॉड तक लेके जाएगा, और वेब डिप्लॉयमेंट पॉड में अगर हमें डेटाबेस को हार्ड कोड करना है तो हम लोग डेटाबेस पॉड की आईपी को हार्ड कोड नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम लोग एक सर्विस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम लोग एक सर्विस बनाएंगे, और जब हम लोग सर्विस बनाएंगे तो सर्विस की एक आईपी हमें मिल जाएगी, और ये सर्विस क्या करेगा, इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो भी करंट टाइम पर पॉड एग्जिस्टिंग होगा उस पॉड को ये एज अ एंड पॉइंट बना लेगा, राइट। फिर हम लोग वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर बैठ के अगर डेटाबेस को हार्ड कोड करना है तो हम लोग डेटाबेस पॉड की आईपी हार्ड कोड ना करके हम लोग डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस की आईपी है उस सर्विस की आईपी को हार्ड कोड कर देंगे। तो अगर हमने सर्विस की आईपी को हार्ड कोड कर दिया तो अब मान लीजिए ये पॉड अगर डिलीट होता है और इसकी जगह नया पॉड आता है तो ये सर्विस क्या करेगा, नए पॉड के साथ एंड पॉइंट बना लेगा, पुराने के साथ हटा देगा, तो फिर ये सर्विस की टेंशन हो जाती है, हमारा हार्ड कोडिंग तो अभी भी सर्विस आईपी के साथ रहेगा, तो हमें कोई बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो ये सिनेरियो होता है यहां पर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेब डिप्लॉयमेंट का भी सर्विस बना लेंगे तो कस्टमर मारेगा हिट इसे, ये इस वेब डिप्लॉयमेंट पॉड तक लेके जाएगा, और वेब डिप्लॉयमेंट को अगर डेटाबेस पे जाना है तो डेटाबेस पे जाने के लिए डेटाबेस की पॉड की आईपी को हिट ना मार के वो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के सर्विस को हिट मारेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग यहां पर करके देखने वाले प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में, और ये भी हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी अगर हम डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बना देते हैं और जब हम सर्विस बना देते हैं तो वो सर्विस क्या करता है, डिप्लॉयमेंट के नीचे जो भी करंट में एग्जिस्टिंग पॉड होगा उस पॉड की आईपी को एंड पॉइंट बना लेगा, और अगर पॉड डिलीट होता है तो उस पॉड की आईपी के एंड पॉइंट हटा देगा, और नया पॉड जब क्रिएट होता है तो नया पॉड की आईपी को एंड पॉइंट बना लेगा ऑटोमेटिक, वो सर्विस की हेडेक हो जाती है, क्लियर। और एक चीज और बता देता हूं कि जब आप सर्विस बनाते हैं तो आपको दो चीज डिफाइन करनी पड़ती है, एक तो आपको डिफाइन करनी पड़ती है कि सर्विस की आईपी तो ऑटोमेटिक आती है लेकिन आपको सर्विस का एक फ्रंट एंड पोर्ट आपको देना पड़ता है कि जब ये वेब डिप्लॉयमेंट पॉड इस सर्विस पे हिट मारेगा तो सर्विस के कौन से पोर्ट पे हिट मारेगा, तो एक फ्रंट पोर्ट आपको देना पड़ता है, तो जैसे मैंने फ्रंट पोर्ट कर दिया 80, क्लियर, और उसके साथ साथ इस सर्विस में एक बैकएंड आईपी और बैकएंड पोर्ट भी होता है, तो बैकएंड आईपी तो हो गया पॉड की आईपी लेकिन बैकएंड पोर्ट भी आपको देना पड़ेगा कि सर्विस जब इस पोर्ट पॉड से कनेक्ट हो तो कौन से पोर्ट पे कनेक्ट हो, तो ये भी आपको देना पड़ता है, तो ये हो जाता है फ्रंट एंड पोर्ट और ये पॉड का पोर्ट हो जाता है बैक एंड पोर्ट, तो ये प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, चलो तो करते हैं प्रैक्टिकल। तो अगर मैं QCTL गेट ऑल करता हूं तो मेरे पास अभी कोई भी रिसोर्सेस यहां पर नहीं है, सिर्फ एक रिसोर्स यहां पर ऑलरेडी चल रहा है जो कुबरेडिस का एक सर्विस यहाँ पर बना हुआ है, और ये सर्विस क्यों बना हुआ है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे वॉच पे डाल देता हूँ, ये लो, ठीक है, मैं इसे वॉच पे डाल देता हूँ और मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ, अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने थ्योरी में बोला है वही उसी वे पे प्रैक्टिकल करूँगा। तो देखिए मेरे पास एक वेब डिप्लॉयमेंट का YAML फाइल है,
ठीक है, क्या है इस यामल फाइल में, नेम वेब हाइफन सर्वर, ठीक है, रेप्लिका अभी मैंने वन ही लिया है, स्ट्रेटजी मैंने रिक्रिएट, हालांकि स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो हटा दें, सेलेक्टर ये है, ठीक है, और इमेज मैंने एंजिनिक्स 1.7 लिया है। तो ये वेब डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। ऐसी डेटाबेस डिप्लॉयमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यामल फाइल पहले से लिख रखा है। तो डिप्लॉयमेंट नाम मैंने डीबी हाइफन सर्वर, लेबल भी मैंने डीबी हाइफन सर्वर, रेप्लिका 4 है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ अभी, ठीक है। डेटाबेस सर्वर और इमेज मैंने अभी कोई डेटाबेस स्पेसिफिक, डेटाबेस का स्पेसिफिक इमेज नहीं ले रहा, MySQL नहीं ले रहा, मैं एंजिनिक्स ही ले रहा हूँ। मतलब मैं अभी इसमें कोई स्पेशल डेटाबेस नहीं चला रहा हूँ, मैं इसे डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की तरह यूज़ करूँगा, लेकिन इमेज मैं एंजिनिक्स ही रख कर चल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करूँगा, इसे करता हूँ अप्लाई। कैसे करेंगे, kubectl अप्लाई हाइफन एफ वेब हाइफन सर्वर, ठीक है, और ऐसे डीबी हाइफन सर्वर, क्लियर। देखें और इसे मैं माइनस वो वाइड करता हूँ, जिससे मुझे पॉड की आईपी भी पता लगे क्या आईपी आई भाई। तो देख सकते हैं ये वेब डिप्लॉयमेंट है, ये डेटाबेस डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर एक ही रेप्लिका है और ये एक पॉड चल रहा है और ये डेटाबेस का एक पॉड चल रहा है। वेब डिप्लॉयमेंट पॉड की अगर आप आईपी देखें तो ये आईपी है, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के पॉड की आईपी देखें तो ये आईपी है, ठीक है। चलो अब मैं वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर चलता हूँ। तो वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर आप कैसे जाएंगे, आपको पता है kubectl exec-it और ये मैं वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर जा रहा हूँ, ये लो। और मैंने यहाँ पे कर दिया bin bash। तो मैं कहाँ पे आ गया, वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर आ गया। अब मैं वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर से बैठकर इस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट पॉड को एक्सेस करूंगा, ठीक है। और अभी इस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर अभी कोई डेटाबेस नहीं चल रहा है, एंजिनिक्स ही चल रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं कर्ल करूं तो रिस्पॉन्स होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो आईपी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आईपी किसकी है, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के पॉड की आईपी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हालांकि अभी कर्ल कमांड यहाँ पे नहीं चल रहा क्योंकि कर्ल का पैकेज नहीं है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले अपडेट किया मैंने, अब क्या करता हूं मैं, apt get install curl, y again y,
ये फेल हो गया। इंटरनेट का इशू था, अपडेट भी नहीं हुआ था ये। अभी भी फेल हो रहा है इंटरनेट। आ गया इंटरनेट। चलो हो गया ये। तो अब मैं कर्ल करता हूँ, तो देखो रिस्पांस हो रहा है, बराबर रिस्पांस हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं वेब डेवलपमेंट पॉड के अंदर बैठ के ना सिर्फ कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे कोई बोले कि यार कर्ल कर रहे हो मतलब डेटाबेस डेवलपमेंट के पॉड की आईपी को आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब कोई बोले कि यार इस एंजिनिक्स के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके इस डेटाबेस पॉड की आईपी को ना हार्ड कोड कर दो। चलो मैंने हार्ड कोड कर दिया, अब मैं इस आईपी को हार्ड कोड कर देता हूँ। अगर कल को ये पॉड डिलीट हो जाए तो करके देखते हैं डिलीट। डुप्लीकेट सेशन ओपन किया मैंने, ये लो पॉड डिलीट करता हूँ पॉड को मैनुअली, क्यूसीटीएल डिलीट पॉड। ये लो तो पॉड हो रहा है डिलीट, देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नया पॉड आ रहा है, देखो। और नया पॉड की आईपी देखो, नया आईपी आ गया। तो पुरानी वाली आईपी ये थी, तो अब आपने अगर पुरानी वाली आईपी से हार्ड कोड कर रखी थी तो अब आपको नई वाली आईपी को हार्ड कोड करना पड़ेगा। और देख सकते हैं एक्सेस भी नहीं हो रहा, मैंने एंटर किया तो यही तो प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन तो चल रही है लेकिन प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि बार बार आपको कुबरनेटिस इंजीनियर को जाके हार्ड कोड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बना दें, इस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बना दें, तो ये वेब डिप्लॉयमेंट का जो पॉड है वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस पॉड की आईपी को हिट ना करके इस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस बनेगी तो सर्विस की आईपी को हिट मारेगा। और सर्विस बैकएंड में जो भी पॉड करंट में होगा उसके साथ मैप कर देगा। करके दिखाता हूँ, सर्विस बना के दिखाता हूँ। तो सर्विस बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप यामल फाइल से भी बना सकते हैं और एक आप कमांड से भी बना सकते हैं। तो देखो कमांड से पहले बता देता हूँ फिर यामल फाइल से। तो सर्विस कैसे बनाएंगे, क्यूब सी टी एल एक्सपोज
डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम, तो अभी डिप्लॉयमेंट का नाम किस डिप्लॉयमेंट का की सर्विस बना रहा हूँ, वेब डेटाबेस की। हाइफन हाइफन टाइप, सर्विस का टाइप क्या रखना है, तो मैंने बोला क्लस्टर आईपी। उसके बाद हाइफन हाइफन पोर्ट, बोले तो सर्विस की आईपी को हिट तो मारोगे लेकिन सर्विस की आईपी के कौन से पोर्ट को हिट मारोगे, तो वो पोर्ट आपने यहां पे बता दिया 80। और सर्विस के बैकएंड पोर्ट क्या होगा, बैकएंड पोर्ट बोले तो बैकएंड में जो पॉड कनेक्ट होंगे तो उनका पोर्ट क्या होगा, वो आपको ऐसे बताना पड़ेगा टारगेट हाइफन पोर्ट। तो बैकएंड पोर्ट मैंने यहां पर 80 बता दिया, ठीक है, ये लो एंटर। तो देखो एक्सपोज हो गया, जैसे ही एक्सपोज हुआ तो देखो यहां पर सर्विस बन गई, देखो ये आ गई सर्विस, देख सकते हैं। तो ये देखिए सर्विस की आईपी है, क्या ये सर्विस की आईपी है, और पोर्ट देखो ये। तो ये जो वेब डिप्लॉयमेंट का जो पॉड है, अब वेब डिप्लॉयमेंट का पॉड जो है वो डेटाबेस तक जाने के लिए डेटाबेस पॉड की आईपी को हिट मार के एक्सेस नहीं करेगा, वो सर्विस की आईपी को हिट मारेगा। किसकी सर्विस की आईपी को, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस बनी है, तो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी ये रही 68। देखो रिस्पॉन्स हो रहा है, क्लियर। अब कल को ये डेटाबेस का जो पॉड है, ये पॉड अगर डिलीट भी हो जाए तो इसकी जगह नया पॉड क्रिएट होगा, तो नया पॉड की आईपी इस सर्विस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, मैप हो जाएगी। तो अगर आप सर्विस को डिस्क्राइब करके देखें तो आपको पता भी लगेगा हो क्या रहा है बैकएंड में। तो सर्विस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब सर्विस, सर्विस का नाम क्या है, डीबी हाइफन सर्विस, ठीक है। तो जब आपने डिस्क्राइब किया तो देखिए सर्विस की आईपी, ये देखिए यहाँ पर जो है पोर्ट और टारगेट पोर्ट, देखो 80 है टारगेट पोर्ट 80, और टारगेट एंड पॉइंट देखो ये पोर्ट की आईपी है, देख सकते हैं यही आईपी। तो इसलिए मैं इसको हिट मारता हूँ तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, मुझे अब डायरेक्टली पोर्ट की आईपी को हिट मारने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको डालता हूँ वॉच पे, ठीक है चलो। तो अभी ये सर्विस इस पॉड की आईपी को एंड पॉइंट बना के रखा है, ठीक है। अगर ये पॉड, ये आईपी किसकी है, इस पॉड की है, अगर ये पॉड डिलीट हो जाए तो ये आईपी यहां से हट जाएगी और जो नया पॉड आएगा उसको एंड पॉइंट बना लेगा, ठीक है, दिखाता हूं चलो। तो डुप्लीकेट सेशन फिर एक ओपन करना पड़ा हमें, और क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड, और ये पॉड यहां से कॉपी कर लो। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना, ये नोटिस करना आपको, ठीक है ना, ये नोटिस करना और ये नोटिस करना, ये एंड पॉइंट यहां से हट जाएगा, देखना, देखो नन हो गया, पॉड भी हट रहा है, देखो नया पॉड आ रहा है, और जो नया पॉड आया नया पॉड की आईपी को एंड पॉइंट बना लिया अपने आप। और वेब डिप्लॉयमेंट एक्सेस तो अभी भी उसी से कर रहा है, उसको हार्ड कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे ठीक है, आपने जब पॉड को डिलीट किया तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे नन आ गया था, मतलब कुछ टाइम के लिए कोई पॉड नहीं था इस सर्विस के बैकएंड में, तो डाउन टाइम आएगा। तो मैं कहता हूँ आप एक रेप्लिका क्यों चला रहे हैं, चार चार पाँच पाँच लीजिए ना, तो ये सर्विस आईपी क्या करेगी, पाँचों के चारों पॉड को एंड पॉइंट बना लेगा, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। देखो अभी इस वेब ये जो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट है उसके बैकएंड में एक ही रेप्लिका है, ठीक है। आप डीबी हाइफन सर्वर के अंदर जाएं, आप यहां पे चार कर ले लो, और क्यूबसीटीएल अप्लाई माइनस एफ डीबी, लो तो चार आ गए, देखो चार एंड पॉइंट यहां पे बन जाएंगे, देखना, देखो दो आ गए, देखो चार हो गए, एक दो तीन प्लस वन मोर, तो ये सर्विस की आईपी को हिट मारोगे, ये बैकएंड में इन चारों पॉड साइड पॉड पे लेके जाएगा, और चारों पॉड की टारगेट पोर्ट देखो 80 ही है, क्लियर। तो इस तरीके से
वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर जाइए, पॉड वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर जाइए और हार्ड कोड करना भी है, हार्ड कोड करना है तो डेटाबेस के चार पॉड है, चार आईपी को हार्ड कोड तो ऐसे भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। तो आप एक सिंगल एंड पॉइंट बनाने के लिए तो फिर बनाना चाहते हैं तो फिर ये तो सर्विस बेस्ट है, तो इस सर्विस की आईपी को हार्ड कोड कर दें। तो ये वेब पॉड जो है, अगर इसको डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस बैकएंड में डेटाबेस के चार पॉड हैं तो सर्विस के पास जाएगा, सर्विस चारों पॉड में रीडायरेक्ट करता जाएगा एक एक करके, क्लियर। तो देख सकते हैं ये ब्यूटी है। चलो इसी तरीके से मैं वेब डिप्लॉयमेंट का भी सर्विस बना के दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप सिनेरियो में देखें तो आपने वेब डिप्लॉयमेंट से डेटाबेस तक जाने का तो आपने कर लिया पूरा, लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो वेब डिप्लॉयमेंट पॉड है, अब वेब डिप्लॉयमेंट वेब को अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो ये वेब को अगर एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है, मान लो मैं इस यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ये बैठा हूँ मैं अभी क्लस्टर के अंदर ही बैठा हूँ, और क्लस्टर के अंदर बैठ के अगर मैं क्या करता हूँ, इस वेब तक जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अभी फिलहाल मुझे वेब पॉड की आईपी को हिट मारना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कल को अगर ये वेब पॉड ही डिलीट हो जाए तो मुझे बार बार नई आईपी चाहिए, तो फिर यहाँ पर आप वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी सर्विस बनाएंगे। तो जब मैं वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर सर्विस बना लूंगा तो मुझे वेब डिप्लॉयमेंट के पॉड को डायरेक्टली हिट करने की जरूरत नहीं है, मैं वेब डिप्लॉयमेंट के सर्विस को हिट मारूंगा, सर्विस मुझे बैकएंड तक ले जाएगा, और जब सर्विस बैकएंड तक ले जाता है तो वेब डिप्लॉयमेंट को अगर डेटाबेस पे जाना है तो उसे पता है कि इस सर्विस पे भेज दो, फिर ट्रैफिक ऐसे चलेगी, इधर आएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर मैनेज होती रहेगी, क्लियर। तो चलो वेब डिप्लॉयमेंट का भी सर्विस बना के दिखाता हूँ। तो वेब डिप्लॉयमेंट का सर्विस मैं कमांड से नहीं बनाऊंगा, मैं यामल फाइल से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप यामल फाइल से भी कर सकते हैं। तो यामल फाइल से कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप इंटरनेट पे आ जाएं पहले, ठीक है, और यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, Kubernetes सर्विस क्रिएट, बस तो ये यामल फाइल आप यहां से सिंटेक्स कॉपी करें, यहां पर आप एक फाइल बना लें websv.yaml, ये लें, ठीक है, सर्विस का नाम आप दे दें, माई सर्विस रहने दें, सेलेक्टर ध्यान रखिएगा, सेलेक्टर के बेस में ये काम कर रहा है, तो सर्विस कौन से सेलेक्टर को मैच करे, तो मैंने बोला वेब डिप्लॉयमेंट, तो ये वेब डिप्लॉयमेंट का लेबल क्या है, देखो वेब हाइफन सर्वर, तो मैंने यहाँ पे बता दिया वेब हाइफन सर्वर, ठीक है, प्रोटोकॉल, सर्विस का फ्रंट एंड पोर्ट और बैक एंड पोर्ट, देखो ये बैक एंड पोर्ट, तो बैक एंड पोर्ट यही रहने देता हूँ अभी मैं। चलो अब क्यूब सीटीएल अप्लाई माइनस एफ, ये लो, तो वेब डिप्लॉयमेंट की भी सर्विस यहां पर देखो बन गई, राइट, देख सकते हैं ये बन गई। तो अब मैं क्लस्टर के अंदर किसी भी नोड में बैठकर वेब डिप्लॉयमेंट की सर्विस को हिट मारता हूं तो इस पॉड तक चला जाएगा, और अगर ये वेब डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर मैं डेटाबेस को हार्ड कोड कर रखा हूं तो इस डेटाबेस तक चला गया, ऐसे ट्रैफिक बनेगी, राइट, दिखाता हूं मैं हिट करके भी। तो अगर मैं यहां पर करूं क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब सर्विस और माई हाइफन सर्विस को, तो ये देखें, और अभी वेब डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में एक ही पॉड है, तो अगर आप स्केल करें तो आपको वो भी पता लग जाएगा, आपको वेब हाइफन सर्वर, ये ले क्यूब सीटीएल अप्लाई माइनस एफ वेब हाइफन सर्वर, तो अब डिस्क्राइब करें
तो देखो चार आ गए, क्लियर, देख सकते हैं। तो वेब डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी ये रही, यहां से कॉपी कर लो, इस डायग्राम में चलो, ये आईपी यहां से हटाओ, क्योंकि डायग्राम और ट्रैफिक का फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दो, ठीक है। और आपका डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी ये रही, कॉपी करो, यहां कर दो पेस्ट, ये लो, ठीक है। चलो तो अब आपने क्या क्या कर लिया, आपने वेब डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में चार पॉड ले लिया और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में भी आपने चार पॉड ले लिया, ठीक है। वेब डिप्लॉयमेंट की आपने सर्विस बनाई, सर्विस की आईपी ये रही, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की आपने सर्विस बनाई, सर्विस की आईपी ये रही, राइट। लेकिन सर्विस का टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी है। तो अगर सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी है तो ये सर्विस की जो आईपी मिली है ये आईपी भी प्राइवेट आईपी है, क्लस्टर के बाहर से कोई भी बंदा इस आईपी को हिट अभी नहीं कर सकता, बोले तो इस सर्विस की आईपी को हिट आप क्लस्टर के अंदर ही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ नोड है तो आप किसी भी नोड से कर सकते हैं, लेकिन क्लस्टर के बाहर निकल के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा जैसे क्लस्टर है, ठीक है, तो ये मेरा क्लस्टर का मास्टर नोड है, देखें ये मेरे क्लस्टर का मास्टर नोड है। तो अगर मैं मास्टर नोड से बैठकर कर्ल करता हूं, किसको कर्ल करता हूं, वेब डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी को, ये लो, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड, एक मिनट, क्यूबसिटियर डिस्क्राइब सर्विस माई हाइफन, फायरवॉल तो एक्टिव नहीं है इसका, तो ठीक है, वर्कर नोड का चेक कर लेता हूं, सॉरी, वन डॉट फाइव है वर्कर नोड, वर्कर नोट से हिट करके देखते हैं, दोनों से कनेक्शन रिफ्यूज्ड, तो दोस्तों मैं वेब सर्विस वाले को तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन रिप्यूज आ रहा है, बट डेटाबेस वाले को अगर मैं हिट करता हूँ तो ये प्रॉपर कर्ल करने दे रहा है मुझे, दिखाता हूँ, देखो अगर मैं डेटाबेस वाले को सर्विस को हिट मारता हूँ तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सर्विस में कुछ दिक्कत होगा, उस सर्विस को मैं एक बार डिलीट करता हूँ, वेब वाले को, डिलीट सर्विस माई हाइफन सर्विस, ठीक है, दोबारा बनाता हूँ और कमांड से ही बना लेता हूँ अभी, क्यूबसिटियर एक्सपोज सर्वे एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम वेब हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन टाइप
क्लस्टर आईपी हाइफन हाइफन पोर्ट 80, ठीक है, टारगेट पोर्ट नहीं दे रहा हूँ अभी मैं, अपने आप उठा लेगा, और नहीं देते हो टारगेट पोर्ट तो 80 उठाते हैं अपने आप, ठीक है। तो अब आ गया, देखो ये आ गया। तो अब अगर मैं मास्टर नोट से बैठ कर देखो कर्ल करता हूँ 10.100.237.122, तो देखो रिस्पांस हो रहा है। तो वेब सर्वर की आईपी, वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस है उसकी आईपी अभी ये हो गई, ठीक है ना, ये वाली हटा देता हूँ मैं। आई थिंक मुझे जो इशू समझ में आया वो यामल फाइल पे कुछ दिक्कत है, वो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, अभी मैंने कमांड से ही बना लिया, ठीक है। तो अब मैं अपने क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड से के अंदर बैठ के अगर इसको हिट मारता हूँ तो ये मुझे रिस्पांस कर रहा है, ठीक है ना। चलो ये देखो बराबर रिस्पांस इसने किया। इसी तरीके से क्लस्टर के अंदर अगर मैं वर्कर नोड पे बैठ के हिट मारूं, जैसे ये वर्कर नोड है, तो भी ये रिस्पांस करेगा बराबर, कर्ल 10.100.237.122, ये देखो रिस्पांस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस सर्विस आईपी को बैठकर क्लस्टर के बाहर निकल जाऊं, जैसे क्लस्टर के बाहर मैं अपनी मशीन पे आ गया, तो ये क्लस्टर का बाहर है तो यहां रिस्पांस नहीं करेगा, यहां रिस्पांस करेगा ही नहीं। यही तो हमने थ्योरी में भी देखा ना कि क्लस्टर आईपी, अगर आप डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी रखते हैं, तो क्लस्टर आईपी क्लस्टर के अंदर ही एक्सेस होता है। क्लस्टर के अंदर जो कितने भी नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हो, तो आप किसी भी नोड से जाकर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बाहर से एक्सेस करवाना है तो फिर आपको पता है कि नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, तो ये चीज हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मैं एक बार आपको ट्रैफिक का फ्लो फिर से बता देता हूं कि जो हमने यहां पर किया वो चल कैसे रहा है, ठीक है। तो जो भी हमने किया है वो इस तरीके से चल रहा है, हमारा ये जो वेब डिप्लॉयमेंट है, तो वेब डिप्लॉयमेंट का हमने सर्विस बनाया, तो सर्विस की आईपी आई, तो मैं क्लस्टर के अंदर किसी भी नोड से बैठकर मैं इस आईपी को हिट मार रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे बैकएंड में इस पॉट तक लेके जा रहा है, और बैकएंड में एक पॉड नहीं है, चार पॉड मैंने कर दिया क्योंकि मैंने स्केल कर दिया था, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्यूसीटीएल डिस्क्राइब, सॉरी सर्विस का नाम क्या था, माई हाइफन सर्विस, और वॉच में डालता हूँ इसे, ठीक है, सॉरी क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब सर्विस माई हाइफन सर्विस का नाम देख लेते हैं, माई सर्विस का नाम क्या है, वेब हाइफन सर्वर है, वेब हाइफन सर्वर, ठीक है। चलो तो देखें, सर्विस के बैकेंड में चार पोर्ट है, तो मैं यहां से बैठ के इसको हिट मारता हूं, ये बैकेंड में चारों पोर्ट पे ले जाता है। अगर चारों पोर्ट वेब के हैं और उनको डेटाबेस चाहिए, तो ये हमने बना रखा है, ये लीजिए यहां से होगा कनेक्शन, ऐसे फ्लो चल रहा है पूरा का पूरा फ्लो आपका ऐसा बन रहा है, ठीक है। इस फ्लो को समझें, और मैं बाहर अगर मैं किसी को क्लस्टर के अंदर ही अगर मैं डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के सर्विस की आईपी किसी को ना दूं, तो उसे पता ही नहीं डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के सर्विस की आईपी क्या है, उसे मैंने सिर्फ वेब डिप्लॉयमेंट के सर्विस की आईपी दिया, तो तू भाई इसको हिट मार, ये इधर जाएगा, ये ऐसे चलेगा। और अगर आप बाहर से आने वाले लोगों को भी एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप वेब डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाएं लेकिन क्लस्टर आईपी ना बनाएं, नोड पोर्ट बनाएं या लोड बैलेंसर बनाएं, तो बाहर से बंदा हिट मारेगा इसको, नोड पोर्ट बनाएंगे तो इस नोड की इस पोर्ट को हिट मारेगा, वो इधर बैकएंड में आएगा, ऐसे चलेगा। आप डेटाबेस को बाहर से एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, तो उसका सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी ही रहने दें, नोड पोर्ट ना बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्लस्टर आईपी की प्रैक्टिकल।
इसी तरीके से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नोटबोर्ड। तो इसी के आगे हम लोग देखेंगे, सिनेरियो को ऐसे ही रखेंगे, हम लोग देखेंगे कि इस वेब डिप्लॉयमेंट को बाहर से एक्सेस करवाना है तो क्या करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इनको रिमूव करता हूँ पहले। ठीक है, जो भी मैंने बनाया था उनको मैं रिमूव करता हूँ। तो कैसे रिमूव करेंगे, आपने सर्विस बनाई थी, सर्विस को रिमूव करनी है, तो क्यूब सी टी एल डिलीट सर्विस। हाँ, सर्विस का एक शॉर्टकट नाम भी है SVC। ठीक है, और सर्विस का नाम आप रखते जैसे DB-Server, तो ये ले सर्विस डिलीट हो गया। ऐसे वेब वाले को भी डिलीट कर देते हैं, Web-Server ये ले। जो डिप्लॉयमेंट आपने बनाई थी वो भी डिलीट कर दीजिए, QCTL डिलीट -F ये। ये भी उड़ गया, और डेटाबेस वाले भी उड़ा देते हैं, ये ले, चलो सारे उड़ गए। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपके क्लस्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सर्विस यहां पर चलती रहती है, और सर्विस का नाम क्या है, क्यूबनेटिस। ठीक है, अब सर्विस का टाइप देखें क्या है, क्लस्टर आईपी। और ये तो ये सर्विस बाय डिफॉल्ट क्यों चल रही है, इसका क्या जरूरत है, और अगर आप इस सर्विस को डिलीट करेंगे ना तो अपने आप रिक्रिएट भी हो जाएगा। देखना, क्यूब सी टी एल डिलीट सर्विस, ये नहीं, क्योंकि इसकी रिटेंडेंसी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होती है। देखना अपने आप रिक्रिएट होके आ जाएगा, देखो आ गया। तो ये सर्विस क्यों चल रही है भाई, बताता हूं। याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लस्टर सेटअप करते हैं तो क्लस्टर के अंदर जो मास्टर नोड होता है, मास्टर नोड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स भी पॉड के अंदर चल रहे होते हैं, है ना। जैसे एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, डेटाबेस, सब पॉड पे चल रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करते होंगे, तो क्या ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से अपने अपने पॉड आईपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं? नहीं, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया इस सर्विस आईपी। क्लियर? तो अगर मैं क्यू सी टी एल डिस्क्राइब सर्विस करूं और इस सर्विस को, ये लो, और वॉच पे डालता हूं, ये देखो सर्विस आईपी, और बैकएंड में एंड पॉइंट एक ही है। बैकएंड में एंड पॉइंट एक ही क्यों है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स जिस पॉड पे चल रहे हैं उन सब पॉड की आईपी एक ही है, और ये जो आईपी है ये मास्टर नोड की आईपी है। तो सारे कंपोनेंट्स जो पॉड पे चल रहे हैं वो पॉड खुद की आईपी नहीं यूज कर रहे, वो मास्टर नोड की आईपी को यूज कर रहे हैं। और अगर आप ये देखना चाहें तो आपको दिखा दूं, सारे कंपोनेंट्स की आईपी एक ही है, अलग अलग भी हो सकती है किस केस में, वो भी बता देता हूं। तो मैंने कमांड चलाया यहां पर क्यूब सी टी एल, सारे कंपोनेंट्स कौन से नेम स्पेस के अंदर होते हैं, क्यूब हाइफन सिस्टम के अंदर, गेट पॉड्स -O white। ठीक है, देखें सारे कंपोनेंट्स पॉड पे चल रहे हैं, उन सब पॉड की आईपी देखो एक ही है। तो देखो ये क्लियर, अगर मान लीजिए आप ये कंपोनेंट्स को अलग अलग नोड पे चलाते हैं, इसकी आईपी अलग होती, इसकी आईपी अलग होती, इसकी आईपी अलग होती, तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देता नंबर ऑफ। तो अभी ये सारे कंपोनेंट्स आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपनी आईपी से नहीं कर रहे हैं, इस क्लस्टर आईपी से कर रहे हैं। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट बना होता है और ये रहता है, और इसकी रिडंडेंसी लगी हुई है, इसको डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि कुबनेटिस ने बाय डिफॉल्ट अपने बिहाफ में इसको मैनेज कर रहा है। तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये जो सर्विस होती है क्यों बनी है, क्या रीजन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी क्लस्टर आईपी की प्रैक्टिकल होती है बाइंड अप। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नोट पोर्ट के साथ। तो जब हम अपने वेब डिप्लॉयमेंट को नोट पोर्ट सर्विस बनाएंगे और सर्विस का टाइप नोट पोर्ट रखेंगे तो बाहर से भी कम्युनिकेट होगा ही। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसके प्रैक्टिकल के साथ नोट पोर्ट के। तब तक के लिए बाय बाय।